Ciao. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से सेल्फ वाटरिंग पॉट को घर में ही बिल्कुल इजी तरीके में बना सकते हैं, और ऑनलाइन भी मैंने इसके प्राइस देखे हैं तो सारे पॉट जितने भी हैं वो 300 के अबव है, लेकिन जो मैं पॉट बनाने जा रही हूँ ये आपका सिर्फ 40 रुपीज़ में तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने दो पॉट रखे हैं। एक ये पॉट है, ये थोड़ा सा बड़े साइज के आए, और एक ये दूसरा पॉट जो है वो बस समझिए 1 इंच या थोड़ा सा बस इससे छोटा है। मेरे ये जो पॉट हैं वो थोड़े से 40 रुपीज़ से अबव है, लेकिन आप चाहें तो जो नर्सरी वाले ब्लैक कलर का पॉट जिसमें प्लांट्स लगाते हैं, आप वो वाला पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो पॉट होता है वो बड़ा साइज उसका 20 रुपीज़ का होता है, और उससे छोटा साइज आपको 18 या 15 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। तो 40 या 38 रुपीज़ में आपका सेल्फ वाटरिंग का पॉट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दो पॉट ले लेंगे। जो पॉट बड़ा है जिसको हम नीचे रखेंगे तो उस पॉट में आपको ड्रेनेज होल नहीं बनाना है, और जो पॉट छोटा है उसमें आप एक छोटा सा ड्रेनेज होल बना दीजिए। बहुत बड़ा ड्रेनेज होल नहीं बनाना है, बिल्कुल छोटा सा एक ड्रेनेज होल बना दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से एक डोरी ले लेंगे। कोई भी डोरी ले सकते हैं आप, कपड़े की, ऊन की, या फिर जो रस्सी आती है वो, कोई भी आप एक इस तरह की डोरी ले लीजिए। उसके बाद जहां पर हमने ड्रेनेज होल ऊपर वाले पॉट में बनाया है वहां से इस तरह से आपको इस डोरी को इस तरह से अंदर डाल देना है। अंदर डालने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि डोरी जो है वो थोड़ी सी ऊपर रहे और थोड़ी सी नीचे रहे। कोई ये नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड बराबर रहे, किधर भी कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से डोरी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पॉट में हम सॉइल डाल के और एक कोई प्लांट लगा देते हैं। तो मैंने रबर प्लांट को सजेस्ट किया है इसमें लगाने के लिए, क्योंकि मैं ये पॉट इंडोर रखने वाली हूँ तो मैंने सॉइल भी इंडोर के लिए बनाई है। तो इसमें सॉइल भर के और प्लांट को लगा देते हैं। सेल्फ वाटरिंग पॉट के बहुत सारे फायदे हैं। आप अपने प्लांट्स को इंडोर रखिए या आउटडोर रखिए, जिस भी जगह पर रखना चाहें उसे रख सकते हैं। तो वहाँ एक तो आपको पानी देने का कोई भी झंझट नहीं है। आप कहीं बाहर अगर घूमने भी जा रहे हैं तो आप 1-2 हफ्ते के लिए अपने प्लांट को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, और आपका प्लांट वो हेल्दी रहेगा, उसको टाइम टाइम पे पानी मिलता रहेगा। फिर जिस जगह पे आप रखेंगे वो जगह भी गंदी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल जो पॉट्स होते हैं उसमें पानी देने के बाद जो अंदर की सॉइल होती है वो बाहर निकलने लगती है, तो जिस जगह पे हम पॉट रखते हैं वो गंदा हो जाता है। लेकिन सेल्फ वॉटरिंग पॉट में ये भी बहुत ही अच्छा एक है कि वहां की जगह भी गंदी नहीं होती है। तो इस तरह से सेल्फ वॉटरिंग पॉट जो है वो इंडोर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आप इंडोर उसे बेडरूम में या फिर कहीं भी ड्राइंग रूम कहीं भी उसे रख सकते हैं। तो इस तरह से सॉइल भर के और मैंने रबर प्लांट को इसमें लगा दिया। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला पॉट है उसमें हम पानी भर देंगे। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ऐसा नहीं कि पूरा पॉट भर दिया या आधा पॉट भर दिया, फिर उसमें आप जब छोटा वाला पॉट डालेंगे तो फिर ओवरफ्लो होने लगेगा पानी। तो इसके लिए क्या करना है कि थोड़ा ही पानी भरना है, और पानी भरने के बाद जो छोटा वाला पॉट है जिसमें हमने प्लांट को लगाया है उस पॉट को हम इस तरह से इसके अंदर रख देंगे। अब जो नीचे जो हमने डोरी लगाई है उस डोरी से पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर सॉइल में जाएगा, और कई दिनों तक हमें अपने प्लांट को पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और हमारे प्लांट को सफिशियंट पानी हमेशा मिलता रहेगा। और जब इसमें पानी ख़त्म हो जाए तब इस वाले पॉट छोटे वाले पॉट को निकाल के फिर उसमें और पानी भर के और अपने पॉट को इस तरह से फिर से तैयार कर दीजिए। ये देखिए, कुछ टाइम के बाद हमारे पॉट की जो सॉइल है वो देखिए ऊपर गीली हो गई है, पानी जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर पूरे पॉट में पहुंच गया है। तो इस तरह से आप भी सेल्फ वॉटरिंग पॉट को 40 रुपीज़ में भी तैयार कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।